नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल वजीफ़ा 786। जैसा कि आपको पता है, आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786 रोज़ आप लोगों के लिए नए ताबीज़, नए वजीफ़े, नए नक्श लेकर हाजिर होता है। इंशाल्लाह ताला आज फिर से नए ताबीज़, नए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ है आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। प्यारे दोस्तों, इतनी पावरफुल ताशीर का ये ताबीज, इतनी पावरफुल ताशीर का ये अमल लेकर हाजिर हुआ है आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। प्यारे दोस्तों, ये चीज़ तो आपको पता है अच्छी तरीके से, वजीफ़ा 786 रोज़ आप लोगों के लिए नए से नए पावरफुल ताबीज़, पावरफुल नक्स, पावरफुल अमल लेकर हाजिर होता है। इंशाल्लाह ताला आज फिर से नया पावरफुल अमल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ है आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज़ किस काम के लिए है, किस काम के लिए नहीं है, ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लेना है, किस तरीके से इस्तेमाल में नहीं लेना है। इंशाल्लाह ताला ये ताबीज़ जो है, इसको बढ़िया तरीके से बना लें। बनाने के बाद में इसका इस्तेमाल का वक्त सुन लें, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। जो कि कोई भी आदमी या कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अपनी इश्क में बेकरार करना चाहता हो, अपनी मोहब्बत को, अपनी मोहब्बत को इश्क में बेकरार करना चाहता हो, तो इंशाल्लाह ताला इस नक्श को 12 टुकड़े करके रोटी के, इस नक्श को बढ़िया तरीके से 12 टुकड़े करके रोटी के हर टुकड़े पर एक एक कालिम नीचे, मतलब कि कालिमा जो है नीचे लिखा हुआ, जो ये कालिमा जो ये नक्श, ये कालिमा जो है इंशाल्लाह ताला आपको लिखना पड़ेगा। नीचे जो लिखा गया है, इसमें जो लिखा जाएगा, ये कालिमा उस टुकड़े पे लिखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। उस टुकड़े पे लिखने के बाद में और चितकबरे कुत्ते के आगे डाल दें, मतलब कि चितकबरे कुत्ते के आगे डाल दें इंशाल्लाह ताला। इतनी पावरफुल ताशीर का ये ताबीज़ है, चितकबरे कुत्ते के आगे डाल दें, उसको खा जाने दें। और ध्यान रखें कि मर्द न हो। अगर आप ये नक्स, ये ताबीज महबूबा के लिए बनाते हैं तो महबूबा कुतिया भी, महबूबा के लिए अगर बनाते हैं तो कुतिया को ही खिलाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आप महबूब के लिए बनाते हैं तो कुत्ते को खिलाना है, उसमें इस चीज़ को ध्यान देना इंशाल्लाह ताला। नर और मादा का इसमें वो है, अगर आपको महबूब के लिए बनाना है तो कुत्ते को खिलाना है, अगर महबूबा के लिए बनाना है तो कुतिया को ही खिलाना है इंशाल्लाह ताला। इतनी पावरफुल ताशीर का ये नक्श है, और उसको खिला देने के बाद में इंशाल्लाह ताला खिलाएं, और फिर औरत के लिए भी जो है इस अमल को किया जा सकता है इंशाल्लाह ताला। और खिलाने के बाद में ये अमल इतना तिलिस्म, मतलब कि इतना आजमाया हुआ ये अमल है इंशाल्लाह ताला, आपकी मोहब्बत आपके पास आ जाएगी, आपकी मोहब्बत आपको बेकरार होकर ढूंढती फिरेगी, बेकरार होकर आपके पास बात करने के लिए चिपकेगी इंशाल्लाह ताला। इतनी पावरफुल ताशीर का ये अमल है, आपकी मोहब्बत आपसे बेकरार होकर बात करने की कोशिश करेगी, उसके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत बढ़ जाएगी। अगर महबूब महबूबा के लिए करता है तो महबूबा इतनी बेकरार हो जाएगी, मोहब्बत में कोई कहने का हिसाब नहीं। अगर महबूबा महबूब के लिए करती इंशाल्लाह ताला, इतनी पावरफुल का तासीर, इतनी पावरफुल तासीर वाला ये अमल है इंशाल्लाह ताला। अगर महबूबा महबूब के लिए करती है तो महबूब बेकरार हो जाएगा, पागल हो जाएगा प्यार में, तो महबूबा के पास पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये ताबीज़ जो है किस तरीके से बनाया जाएगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूँ। इसको नेक और जायज काम के लिए बनाएं, ना कि नाजायज काम के लिए। पाकी की हालत में बावजू होकर, पाकी की हालत में बावजू होकर, पाकी की हालत में बावजू होकर नेक और जायज काम के लिए बनाएं, ना कि नाजायज काम के लिए। इसको जायज काम के लिए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी जल्दी ही मिल जाएगी। नाजायज काम के लिए बनाएंगे, दिल में ताहिया जायज काम का होना चाहिए, ना कि नाजायज काम का। दिल में ताहिया जायज काम का होना चाहिए, ना कि नाजायज काम का। इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिल जाएगी इस अमल में, इस नक्श में इंशाल्लाह ताला। ये ताबीज़ में आपको बना के दिखा देता हूँ, ये नक्श जो है आपको मैं बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से नहीं बनाया जाएगा। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर 786 लिखनी है, 786
786 लिख दिए हैं। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर एन लिखना है। एन लिखने के बाद में आपको यहाँ पर दा लिखना है और यहाँ पर भी दा लिखना है। फिर आपको हो लिखना है। हो लिखने के बाद में आपको ला लिखना है। इंशाल्लाह ताला इतनी पावरफुल ताशीर का ये ताबीज, इतनी पावरफुल ताशीर का ये अमल है। यहाँ पर ला लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे दा लो लिखना है। आपको यहाँ पर दा लो लिख दिया। दा लो लिखने के बाद में आपको यहाँ पर आमोदो लिखना है। यहाँ पर आपको आमदो लिखना है। आ मदो लिख दिया। और फिर आपको यहाँ पे ला लिखना है। आपको यहाँ पे फिर से ला लिखना है इंशाल्लाह ताला। फिर आपको यहाँ पर हे वाव लिखना है। हे वाव लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे ला लिखना है। आपको यहाँ पे फिर से ला लिखना है इंशाल्लाह ताला। ये ताबीज जो है आपको अच्छी तरीके से ही लिखना है, अच्छी तरीके से ही इसको इस्तेमाल में लेना है, अच्छी तरीके से ही बढ़िया तरीके से इसको इस्तेमाल में लेना है। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, ताकि आप लोग कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक ना कर पाएं इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ जो है यहाँ पर लिखना है आत आत। यहाँ पर आपको लिखना है आत आत। यहाँ पर भी आपको आत आत लिखना है। ये आत आत लिखने के बाद में आपको सल लिखना है। अच्छी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से लिख कर दिखा देते हैं, ताकि आप लोग कोई भी मिस्टेक, कोई गलती ना कर पाए। यहाँ पर सल लिख दिया। और यहाँ सल लिखने के बाद में अह अह माहत लिखना है, मतलब कि अह माहत लिखना है इसको बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आपको अह माहत लिखना है। अलिफ हे मीम, मीम अलिफ अहमात। अहमात लिखने के बाद में आपको अहमात लिखने के बाद में आपको अहद लिखना है इंशाल्लाह ताला। ये ताबीज जो है इतनी पावरफुल ताशीर का ये ताबीज है, और इतनी पावरफुल ताशीर का ये नक्श है इंशाल्लाह ताला। आप जिस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पर अहमात लिखना है आपको इंशाल्लाह ताला। ये पावरफुल ताशीर का ये ताबीज है, इतनी पावरफुल ताशीर का ये नक्श है। प्यारे दोस्तों, ये चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से पता है। आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786 रोज़ आप लोगों के लिए नए ताबीज़, नए वजीफ़े, नए नक्श लेकर हाज़िर होता है इंशाल्लाह ताला। आज फिर से नया ताबीज़, नया वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। गोल खेलेंगे, गुलशन खेलेंगे, ज़िंदगी वाकई रही तो फिर मिलेंगे। आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।